देश में 17 जनवरी को होने वाले पंचायत चुनाव में प्रचार अंतिम दौर में है। सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जी जान से चुनाव प्रचार में जुटकर वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीडवाना तहसील की मौलासर पंचायत समिति की, मौलासर ग्राम पंचायत की। यहां 13 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं जो कि सरपंच की दौड़ में शामिल हैं। अधिक उम्मीदवार होने से ये पंचायत चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है और इनमें से एक उम्मीदवार है भागीरथ राम बलारा, जो पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं। सरपंच प्रत्याशी भागीरथ राम बलारा से बातचीत की हमारे एवन संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान ने। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं मौलासर पंचायत समिति के मौलासर गांव में, जहां पर सरपंच के 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 13 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो पूरे दम से यहां पर मैदान में डटे हुए हैं और इनके कार्यकर्ताओं की भीड़ दर्शाती है कि इनके साथ जनता का साथ है और ये अपनी इस सरपंच की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं भागीरथ राम बलारा से, जो यहाँ पर 13 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत उम्मीदवारों में माने जाते हैं। इनसे जानते हैं कि सरपंच बनने की इनकी इच्छा कैसे हुई और गांव का विकास वो किस तरह से करना चाहेंगे। मैं पहले तो मेरे यहाँ मौला की धरती पर आप पधारे उसका हार्दिक स्वागत है और मैं यह कहता हूँ कि मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने की मेरी यही इच्छा थी कि मैं गाँव का विकास करूँ और बिना भेदभाव करूँ, बिना कोई गरीब अमीर उनको बराबर रखूँ। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मौलासर में मैं सरपंच, अगर जनता मेरे को बनाती है तो मैं 5 साल तक अच्छा विकास कराऊंगा, किसी भी भेदभाव बिगर भेदभाव का काम करूंगा। आप मौलासर पंचायत में पिछले कार्यकाल में वार्ड पंच के पद पर रहे हैं, आपको ऐसी कौन सी कार्य जो लगे हैं कि जिसकी आवश्यकता है और जो विकास के लिए सबसे जरूरी है? मैं मौलासर पंचायत में पिछला कार्यकाल में मैं वार्ड पंच था, वार्ड नंबर 14 से, और मैं हर चीज पंचायत में बैठकर सीखी, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ये दिमाग में आई गए, अपन 40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी बिगर भेदभाव जनता की सेवा करूँगा और सब अच्छी तरह करूँगा जिसकी आगे तुलना करे किसी। आप प्राथमिकता किस काम को देते हैं? मौलासर की सबसे मोटी समस्या आपको क्या लगती है? विकास, सिर्फ विकास, विकास की तात्पर्य है, विकास जो होगा वो मेरा होगा, मौलासर की जनता का होगा। ये थे भागीरथ राम बलारा, जो कहते हैं कि उनका एक ही मकसद है कि मौलासर का निष्पक्ष विकास हो और मौलासर का नाम डीडवाना तहसील और मौलासर पंचायत समिति में सबसे ऊपर आला दर्जे में देखा जाए विकास के तौर पर। इनकी विकास की सोच कर देख कर ऐसा लगता है कि ये इस लड़ाई को जीत कर मौलासर का संपूर्ण विकास कर सकेंगे। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।